हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नेम है लेट्स रिवाइज। यानी कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। वर्कशीट 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। भाई हमें न्यूमरल्स दिए होंगे, उनको हमें क्या करना है, वर्ड के अंदर राइट करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हमें 5565। ओके भाई, अब हम इसे को वर्ड में राइट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर क्या राइट कर लेंगे, 1, 10, 100। अब देखेंगे कि 100 के नीचे कितना है, 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 500। 10s के नीचे कितना है, 6, तो कितना हो जाएगा 60। और 1s के नीचे कितना है, 5, तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 5। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 565। ओके नेक्स्ट सेकंड है 560, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, 1, 10 और 100 राइट कर लेंगे। आप देखेंगे कि भाई 100 के नीचे हमारा कितना है, 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 500। ओके अब 10s के नीचे कितना है, 6, इट मीन्स कितना हुआ, 60। अब भी 1s के नीचे क्या है, 0, तो 0 को तो हम राइट नहीं करेंगे। ओके इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट नंबर है थर्ड 246। अब इसको वर्ड में कैसे राइट करना है, 1, 10, 100 राइट कर लेंगे इसके ऊपर। आप देखेंगे 100 के नीचे कितना है, 2 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 200। 10s के नीचे कितना है, 4, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 40। और 1s के नीचे कितना है, 6, तो हम क्या राइट कर देंगे, 6, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 246। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इसका 864, इसके ऊपर भी हम क्या राइट कर लेंगे, 1, 10, 100। ओके अभी 100 के नीचे कितना नंबर है, 8 है, तो हम क्या राइट करेंगे, 800। 10s के नीचे कितना है, 6, तो क्या राइट करेंगे हम, 60। और 1s के नीचे कितना है, 4, तो हमारा यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम, 4, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 864। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट इसका 248, इसके ऊपर भी हम क्या राइट करेंगे, 1, 10, 100। आप देखो 100 के नीचे कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 200। 10s के नीचे कितना है, 4, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम, 40। और 1s के नीचे कितना है, 8, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 8, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 248। इसी प्रकार से इसका सिक्स पार्ट है 624। भाई सभी नंबर्स के ऊपर हम इस प्रकार से नंबरिंग कर लेंगे, 1, 10, 100। ओके अब देखेंगे 100 के नीचे कितना है, 6 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 600। 10s के नीचे क्या है, 2, तो कितना हो जाएगा, 20। और 1s के नीचे कितना है, 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे क्या लिख देंगे यहाँ पे, 4, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 624। ओके नेक्स्ट नंबर है, अब ये देखो 4 डिजिट का नंबर आ गया, तो अब इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे क्या हो जाएगा, 1, 10, 100, 1000। भाई 4 डिजिट तक गया तो इसमें 1000 तक जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1000 के नीचे कितना है, 1, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 1000। अभी 100 के नीचे 0 है, तो 0 को तो हम राइट नहीं करेंगे। आप देखेंगे 10s के नीचे कितना है, 5, तो क्या राइट करेंगे, 50। और 1s के नीचे कितना है, 6, तो इसको क्या राइट कर देंगे हम, 6, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 1056। ओके नेक्स्ट है हमारा 8 पार्ट 812, इसके ऊपर भी मार्किंग कर देंगे, 1, 10, 100। भाई 100 के नीचे कितना है, 8, तो हम क्या राइट करेंगे, 800। अब 10s के नीचे कितना है, 1, तो 1 10s तो राइट करेंगे नहीं। अब देखो ये कितना है हमारा, 12 है, ठीक है, तो हम इसको क्या राइट कर देंगे, 812। या इसको आप ये राइट करो, 800, 1s, 10s या 2, ऐसे तो राइट कर नहीं सकते, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, 812। ओके अब 9 है हहमारा 9th पार्ट 948, इसके ऊपर भी मार्किंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1, 10 और 100। 100 के नीचे कितना है, 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 900। 10s के नीचे कितना है, 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40।
और वंश के नीचे कितना है 8, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे 8, तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा 948। इसी प्रकार से हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है नेक्स्ट 1248। तो देखो इसके ऊपर मार्किंग करेंगे 1, 10, 100, 1000। तो भाई 1000 के नीचे कितना है 1, तो क्या राइट करेंगे यहाँ पे हम 1000। 100 के नीचे कितना है 2, तो क्या राइट करेंगे 200। 10s के नीचे कितना है 4, तो क्या राइट करेंगे हम 40। और 1s के नीचे कितना है हमारा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा ये 1248। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये मैं कुछ नंबर्स आपको दे रहा हूँ, इनके नंबर नेम आपको खुद से राइट करने हैं, ओके। 864 है, 1120 है, 646 है, 480 है, 840। अब इनको क्या करना है, सबसे ऊपर पहले आप इनके ऊपर मार्किंग करेंगे 1, 10 और 100, ओके। फिर आप भी 100 के नीचे जितना होगा उसको राइट कर देंगे, 10s के नीचे जितना होगा उसको राइट कर देंगे, और फिर जो 1s के नीचे होगा उसको राइट कर देंगे। इस प्रकार से ये आपके नंबर नेम का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।